हमारे जनरेशन में, हमसे पहले वाली जनरेशन में और हमारे आने वाली बाद की जनरेशन में भी भगत सिंह उतने ही रिलेवेंट रहेंगे जितने उस समय थे। जिसका जैसा अपना विचार होगा उस विचार से भगत सिंह को अपना सकते हैं। जैसे अगर मैं भगत सिंह को देखूं तो भगत सिंह का जो अपनी भाषा संस्कृति सभ्यता के प्रति प्रेम था, मैं उसको एज ए एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में देख सकता हूँ। सरदार भगत सिंह सच्चाई दे ऊपर हजे तिकर कायम आ और जब तिकर दुनिया रहेगी उत तिकर कायम रहूंगे। The breach in the parliament on December 13 was attributed to a group of young men and a woman who got together in the name of Bhagat Singh. We examine why, nearly a century after his death, the thinker revolutionary retains his enduring appeal. A Bhagat Singh sculpture stands on the lawns leading from the old parliament building's gate number 5, right outside the chamber where nearly a century ago, Singh had carried out one of the most audacious attacks on the British colonial government. ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। At the ancestral home of Bhagat Singh at Khatkar Kalan in Punjab, almost every wall in the village has his images and words. Born on September 28, 1907 in Banga village in Faisalabad, which is now in Pakistan, Bhagat Singh never stayed very long at the Haveli in Khatkar Kalan. But it is the only house that directly linked to him that remains in India following partition. Singh's ideology still remains relevant in the village. ਜੋ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟਰੈਡਲਸ ਅ ਰਾਦਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੋਟਡ ਬਾਈ ਬੋਥ ਦ ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਸ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਅਮੰਗ ਐਨੀਵਨ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਕੌਜ਼। Now the thing is that even the parliament, the people do not have right, जिसको हमने चुन के भेजा है, even they do not have right to ask questions in the parliament. That in a type of parliamentary democracy when even parliamentarians do not have the right to ask questions. पढ़ाई के बाद में एक परिवार से जब युवा कॉलेजेस में आता है तो मतलब समाज की अपेक्षा रहती है, परिवार की अपेक्षा रहती है कि मतलब उनका बेटा या उनका जो भी है वो मतलब सक्सेस होके आएगा, अपनी सफलता हासिल करके आएगा और यहाँ पे मतलब वो करेगा। लेकिन अगर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है जो उन्होंने मतलब संसद के अंदर जाके मतलब इस प्रकार से घटना करने की कोशिश की, तो समस्या का हम मान सकते हैं कि हो सकते हैं कि युवाओं को मतलब रोज़गार की समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान ये नहीं है कि हम लोग संसद में अंदर जाके ऐसी घटना करें जो पूरे देश के लिए, जो संसद की गरिमा है उसको अगर मतलब वो ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो वो सही नहीं है। अगर समस्या है, ऐसा नहीं कि मतलब देश में कोई समस्या नहीं है, देश में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन उनका समाधान मैं समझता हूँ कि अगर भगत सिंह भी होते, वो भी चाहते कि लोकतांत्रिक तरीक़ों से उनका समाधान हो तो सही रहता, और जो तरीका उनका था वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक नहीं था। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, बात रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से बात रखना भगत सिंह भी कभी मतलब इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को उसके ज़्यादा समर्थन करेंगे। मुझे लगता है कि सांसद जो है वो क्षेत्र में जाएँ, यही जो भगत सिंह भी अगर जो सोचे होंगे अगर इस समय होते तो भी यही करते, जब वहाँ बात नहीं सुन रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों को बोलेंगे ऐसा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आपने हमको चुन के भेजा है वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आपकी बात वहाँ तो हो ही नहीं रही है, वहाँ तो कुछ और ही बात चल रही है।